जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। आपको बता दें कि पहलवान ढाबा चिरगांव हाईवे के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, दो युवतियों की मौत। सेमरी गांव से चिरगांव की ओर आ रही थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने युवतियों को रौंद दिया, जिससे दोनों युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चालक युवतियों के चाचा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। चिरगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकाओं को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा व घायल चाचा को भी उपचार के लिए मेडिकल भिजवाया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? हमारा नाम भैया। क्या नाम? भैया। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम सेमरी। अभी जो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ, मेरे परिवार की थी, मेरी भतीजी थी। आपके परिवार की थी? हाँ, तेज बोलो, सुनाई नहीं रहा हूँ। मेरी भतीजी थी, 30 नवंबर को शादी थी उसकी। कल अपने ससुराल से आई थी, आज कपड़ा लेने आई थी। अच्छा, तो ये बताइए, एक जो लड़कियाँ खत्म हुई है, दोनों वो सबसे बड़ी थी। बड़ी किसका नाम था? वो बड़ी का नाम झपली लिखते हैं, उसका नाम जैसे झपली झपली कहते हैं, उसका एक लड़का है। और ये लोग कहाँ से आ रहे थे? गाँव सेमरी से। कहाँ जा रहे थे? बाजार में। चलो, तो ये टक्कर कैसे हुई, कुछ पता है आपने? हमने देखा, बड़ी का नाम राज, हम लोग तो अभी कितनी उम्र हो? फिर क्या आप क्या हुआ फिर? सर, अभी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दो लड़कियां जिनका नाम रितु और राधी है, दोनों की मौके पर ही घटनास्थल पर मौत हो गई। दोनों बैठियों को रोचन फांसी दे दिया गया है। उनके लड़कियों के पिताजी का नाम भरत सिंह यादव है, जो थाना मोड जिला झांसी के निवासी। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? ये ट्रक से हुआ है, जिसका नंबर 93 BP 2967 नंबर। मौके पे क्या ड्राइवर भी पकड़ा गया है? हाँ, मौके पर ड्राइवर पकड़ दिया गया है। जो मृतक थे सर, वो कौन सी गाड़ी से थे? ये मोटरसाइकिल थी उनकी, SF Deluxe गाड़ी है उनकी। ठीक है सर, धन्यवाद। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।